हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक इन्वर्टर और एक बैटरी रखी हुई है। तो आज की वीडियो में हम आपको एक नए इन्वर्टर को इंस्टॉल करना बताएंगे, क्या बताएंगे किस तरीके से आप अपने इन्वर्टर को खुद ही इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी मैकेनिक की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरा प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले जो काम करना होता है वो ये देखना होता है कि बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव हम अच्छे से पहचान लें। देखिए, इस पर बैटरी पर एक साइड में माइनस और एक साइड में ये प्लस बना हुआ है। तो ये बैटरी का नेगेटिव वाला पॉइंट है और ये बैटरी का पॉजिटिव वाला पॉइंट है। तो जहां पर माइनस बना होता है, यहां पर हमारा इन्वर्टर का ब्लैक वाला जो वायर आता है वो हम यहां पर कनेक्ट करेंगे, और जो यहां पर ये पॉजिटिव बना हुआ है यहां पर रेड कलर का वायर आता है। इन्वर्टर पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा होता है, हमें वैसे ही इसमें कनेक्ट करना पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर के जो डीसी वायर है वो हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, बहुत अच्छे से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए आपको कनेक्ट करके बताते हैं। ये देखिए, ये हम कनेक्ट करेंगे और इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये हमारे सही से कनेक्ट हो, नेगेटिव नेगेटिव पर, पॉजिटिव पॉजिटिव पर। ये देखिए, इसे हम किसी चाबी की मदद से बहुत अच्छे से टाइट करेंगे, बिल्कुल लूजिंग नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे एक एक चूड़ी करके चढ़ाएंगे। अगर हम बहुत ज्यादा इसमें स्पीड दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं, तो बैटरी के टर्मिनल उखड़ने के चांस रहते हैं, जो कि हमें नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह से हम बैटरी का दूसरा वायर है वो भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये दोनों वायर हमने कनेक्ट कर लिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम इन्वर्टर को ऑन करके देखेंगे। देखिए, इन्वर्टर में करंट आ गया होगा। ये देखिए, इन्वर्टर में ये बैकअप की लाइट जल के, यानी बैटरी से कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसे मेन लाइन से कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें एक ऐसा सॉकेट चाहिए होगा कि जहां पर हमारा न्यूट्रल और फेस दोनों आते हो, तो हम उस सॉकेट में इसे कनेक्ट कर देंगे। तो उसकी मेन लीड है, इसकी मेन लीड दिखाइए। ये देखिए, इसकी ये मेन लीड है। इसकी मेन लीड को हम कहीं पर ऐसी जगह कनेक्ट करेंगे जहां पर हमारे न्यूट्रल फेस दोनों आते होंगे। ये सामने जो आपको बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, हम इस बोर्ड से इन्वर्टर को इनपुट वोल्टेज देंगे। तो इसका तरीका ये होता है कि हमें राइट हैंड पर, यानी कि अगर हम सॉकेट के सामने खड़े हैं तो हमारे राइट हैंड पर फेस आना चाहिए। आपको टेस्टर चेक करके बताते हैं। ये देखिए, ये राइट हैंड हो गया। यहां पर टेस्टर में आपको, ये देखिए, टेस्टर में लाइट जलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये फेस का इंडिकेटर दे रहा है कि यहां पर फेस आ रहा है, ठीक है। और ये दूसरी साइड में न्यूट्रल है, न्यूट्रल में टेस्टर नहीं बताता है, टेस्टर केवल फेस में बताता है। ये देखिए, फेस हमारा राइट हैंड पर होना चाहिए। ये देखिए, इंडिकेटर से आपको मालूम पड़ रहा होगा। तो इस तरीके से आप भी कोई ऐसे सॉकेट लेंगे जहां पर राइट हैंड साइड पे फेस आता हो, ठीक है। अब यहां पर हम इन्वर्टर की मेन लीड कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, ये हमने इन्वर्टर की मेन लीड कनेक्ट कर दी। तो देखिए, इस तरह से इन्वर्टर में मेन सॉन और चार्जिंग के इंडिकेटर शो कर रहा है, यानी कि ये इन्वर्टर हमारा बैटरी और मेन लाइन से कनेक्ट हो चुका है। अब बारी है इन्वर्टर के कनेक्शंस करने की, यानी हमें घर में जो भी कनेक्शंस लेने हैं, जो जो पॉइंट्स बनाने हैं, कितने पंखे हमें यूज करने हैं या कितने लाइट्स वगैरह इन्वर्टर पर लेनी है, तो उसे कनेक्शन करने की बात आती है। तो अब चलिए वो स्टार्ट करते हैं। आपको पहले इन्वर्टर पीछे से दिखाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आपको घुमाएंगे, घुमाकर आपको दिखाते हैं कि हमें फेस किधर से मिलेगा। टेस्टर से हम चेक करेंगे। देखिए, इस पर भी पीछे से सॉकेट लगा होता है, इसके भी राइट हैंड पर ही फेस आएगा। जैसे हम सॉकेट के सामने खड़े होते हैं तो राइट हैंड पर फेस आना चाहिए, जैसे कि मेन लाइन इनपुट पर फेस आया था राइट हैंड पर, ऐसे ही राइट हैंड पर फेस इधर भी आएगा। देखिए, लेफ्ट साइड पर न्यूट्रल रहता है। तो हमें एक सिंगल वायर का कनेक्शन करना होगा। हम एक सिंगल वायर यहां से निकालेंगे, जो कि हम इन्वर्टर के जो हम पॉइंट्स बनाएंगे, जैसे मान लीजिए पंखा है, ट्यूबलाइट्स है, या एलईडी बल्ब है, या जो कुछ भी है, तो वहां पर हम यहां से सिंगल वायर निकालेंगे। तो उसका कनेक्शन हम करेंगे। सिंगल वायर भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये सिंगल वायर हम इन्वर्टर के पीछे से यहां से निकालेंगे। हम यहां पर एक टॉप भी यूज कर सकते हैं। अगर टॉप यूज नहीं कर रहा तो सिंगल वायर से भी हमारा काम चलेगा, बट टॉप यूज कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो चलिए अब आपको कनेक्शन करना बताते हैं। जैसे ये हमारा मेन बोर्ड है, इसमें हमने कई सारे स्विच दे रखे हैं। ये जैसे ये स्विच हमारा फैन का है, और ये स्विच वगैरह लाइट वगैरह के लिए दे रखे हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये सारे स्विच दे रखे हैं। अब हम इस स्विच में ही कनेक्शन करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये बोर्ड खोलेंगे। बोर्ड खोलने के बाद आपको इसके अंदर भी कैसे कनेक्शन करते हैं वो बताते हैं। तो चलिए पहले हम इसका बोर्ड खोलते हैं। देखिए, जितने पेज लगे हुए हैं तो ये सब हम खोल लेंगे। देखिए, ये हमारा मेन बोर्ड अंदर से कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। अब हमें इसमें जो जो पॉइंट्स लेने हैं, पहले हम उस पर किसी मार्कर से निशान लगा लेंगे, तो उससे हमें काम करने में आसानी रहेगी। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पर
ये देखिए हमारा ये लाइट का कनेक्शन है, तो ये स्विच और ये फैन का स्विच, इन दोनों पर हम आपको कनेक्शन करके बताएंगे। तो इस पर हम मार्कर से निशान लगा लेते हैं हल्के से, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए अब अंदर से हम आ जाते हैं, इस तरीके से ही हमारा अंदर से दिखाई पड़ रहा है, कई सारे तार हैं, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब आपको दिखाते हैं, ये आपको एक देखिए सारे जितने भी स्विच हैं ये सब पर ये एक वायर आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा हो, ये फेस आया हुआ है, जो मेन लाइन का फेस होता है वो देखिए यहाँ पर आया हुआ है टेस्टर से। ये देखिए टेस्टर में दिखाई पड़ेगा आपको, ये देखिए टेस्टर में दिखाई पड़ रहा है। तो हमें करना ये है, जैसे मान लीजिए हमें इन दोनों स्विच पर इन्वर्टर कनेक्शन देना है, तो पहले हम जो इन्वर्टर का जो पहले से यहाँ पर जो कनेक्शन आया हुआ है मेन लाइन का, वो हम हटा देंगे, यहाँ पर हम इसे खाली कर लेंगे बिल्कुल, और जो आउटपुट जा रही है यानी जो कनेक्शन हमारा जा रहा है बल्ब में या फैन में, वो हम लगे रहने देंगे, जो उसमें मेन लाइन का फेस आ रहा है उसे हम निकाल देंगे, खोल देंगे इसे। दोनों में से हम निकाल देंगे, ये देखिए जो स्विच पर हमारे फेस आ रहा था मेन लाइन का, वो हमने हटा दिया है। ठीक है, अभी हमारा स्विच नीचे से बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। अब हम इन्वर्टर के पीछे से सिंगल वायर निकालेंगे, सिंगल वायर निकालकर हम जो फेस आ रहा था सिंगल वायर पे, मैंने आपको बताया था सॉकेट पर जो फेस निकलेगा, वो फेस का कनेक्शन हम इन दोनों स्विच पर कर लेंगे, ताकि जो इन्वर्टर का फेस है वो इस पर आना शुरू हो जाए। चलिए आपको दिखाते हैं। आ गया, ठीक है, देखिए इस तरह से हमें इन दो पॉइंट्स पर यानी इन दो स्विच पर ये कनेक्शन देना था, तो हमने यहाँ पर इन दो स्विच पर ये कनेक्शन दे दिया। मान लीजिए अगर हमें इस स्विच पर भी कनेक्शन देना है, तो हम यहाँ से भी जो वायर आया हुआ है फेस का वायर, तो हम वो हटा देंगे, तो यहाँ से कनेक्शन उठाकर हम यहाँ पर लगा लेंगे इस वाले स्विच पर, तो यहाँ पर भी इन्वर्टर कनेक्शन हो जाएगा। और मान लीजिए हमें सॉकेट पर कनेक्शन देना है, तो यहाँ पर भी हम प्रोसेस यही करेंगे, जो पहले का फेस का वायर आया हुआ है स्विच पर, वो स्विच पर से हटा देंगे, और जो हमने अलग से वायर निकाला है वो वायर हम कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम जितने चाहें उतने पॉइंट्स बना सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमने आपको केवल दो ही पॉइंट्स बनाकर बताए हैं। अब देखिए इसका एक सिरा हम इन्वर्टर के राइट हैंड साइड पर लगा देंगे, जो कि इसका इन्वर्टर का फेस है। अब इन्वर्टर को थोड़ा घुमाइए। देखिए दोस्तों इस तरह से हमने इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन कर लिया है। अब आपको इसके आउटपुट निकाल के बताते हैं, जरा स्विच ऑफ कीजिए। ये देखिए ये हमारा जो ऊपर लाइट्स हैं ये हमारे इन्वर्टर से कनेक्ट हो गई है। अब इन्वर्टर देखिए हम आगे से ऑफ करेंगे, ये देखिए इन्वर्टर हमने ऑफ किया, अब ऑन करेंगे, देखिए लाइट हमारी जल गई, ऑफ ऑन। तो इस तरह से इन्वर्टर हमारा सही काम कर रहा है। अब एक बार स्विचेस का ऑन कर दीजिए, ये देखिए अब ये मेन लाइन पर आ गया। तो इस तरह से इन्वर्टर हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है, जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं पॉइंट्स इसके बढ़िया तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से अपने घर पर इन्वर्टर इंस्टॉल कर सकते हैं। बस कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है कि जैसे फेस के साइड में आए, न्यूट्रल के साइड में आए, और आउटपुट का हम इन्वर्टर के पीछे से आउटपुट कैसे निकालें, बैटरी की वायर कैसे कनेक्ट करें, फिर पॉजिटिव और निगेटिव देखकर तब कनेक्ट करें। तो इस तरह से, और जैसे अभी हमने आपको केवल एक ही बोर्ड में कनेक्शन करके बताया, इस तरह से आप अगर मान लीजिए यहाँ से आप और किसी बोर्ड में कनेक्शन ले जाना चाहें, तो सिंगल वायर आप यही लेकर जाएंगे और वहां पर आप कनेक्शन कर लेंगे जैसे कि इसमें किए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।